हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना पांडे यूट्यूब के फाइनल क्लास चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं 12 साल से कंप्यूटर पे लेक्चर दे रही हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, पर मैंने देखा कि हायर स्टडीज़ के लिए भी जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको कंप्यूटर के बेसिक्स क्लियर नहीं है, उनको कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए अब मैं कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ फाइनल क्लास चैनल पर, जिसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल यानी थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल सारे टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। इन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूँगी। इसके बाद आप इस सीरीज़ के अंत में MCQs की एक वीडियो मिलेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको आप सॉल्व कर सकेंगे। कंप्यूटर का यूज़ जैसे कि आप जानते ही हैं कि आजकल सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे रेलवे, बैंक, SSC, IAS, VCS, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। अगर आप एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं तो भी क्लासेस आजकल हर क्लास 6 से या कुछ बोर्ड्स में तो स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया गया है, तो क्लास 6 से उसके बाद के आगे की क्लासेस के लिए भी आपको कंप्यूटर फंडामेंटल की जानकारी होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, CCC, PGDCA, DCA, कंप्यूटर का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो हर कोर्स में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल की जानकारी होना ज़रूरी है। इसलिए आज कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज़ की पहली वीडियो मैं लॉन्च करने जा रही हूँ, जिसमें आप जानेंगे कि इस पूरी सीरीज़ में आप जान पाएंगे कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, उसकी जनरेशन क्या है, कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फंक्शनैलिटी और इनपुट डिवाइसेस या इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सारे टॉपिक्स को मैं इस सीरीज़ में कवर करूँगी। और इससे रिलेटेड MCQs का लास्ट वीडियो तो आपको मिलेगा ही, इसके साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करेंगे तो आपको इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको PDF फाइल का लिंक भी मिलेगा। और अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड आपको ऐप भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास में। आज जो टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। आज हम जानेंगे कंप्यूटर का इतिहास, जो कि आज से लगभग 300 साल पुराना है। मूल रूप से कंप्यूटर का विकास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को, जो कि लार्ज स्केल पर करना होता था, उसके लिए किया गया था, क्योंकि शुरुआत में तो उंगलियों की सहायता से कैलकुलेशन किया जाता था, लेकिन व्यापारी जिनको बहुत लार्ज स्केल पे कैलकुलेशन करनी होती थी उनको प्रॉब्लम आती थी, इसके लिए कंप्यूटर का विकास किया गया। कंप्यूटर का इतिहास यही व्यक्त करता है कि कंप्यूटर को काफ़ी समय से और काफ़ी मेहनत से डेवलप किया गया है। इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में बहुत सारी प्रणालियों को जन्म दिया, जैसे बेबीलोनियन प्रणाली, यूनानी प्रणाली, रोमन प्रणाली और भारतीय प्रणाली। मगर इनमें से भारतीय प्रणाली को, इंडियन सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया गया है। भारत के प्राचीन विख्यात खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा दशमलव प्रणाली या डेसिमल नंबर सिस्टम का विकास किया गया, जिसकी रेंज है 0 to 9, और यही आज की आधुनिक दशमलव प्रणाली के आधार है। और इसी के आधार पर बाइनरी नंबर सिस्टम को डेवलप किया गया, जो कि 0 और 1 है, और जिसका प्रयोग कंप्यूटर की संरचना के लिए मुख्य रूप से किया गया। फ्रेंड्स, कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल गणना के लिए ही किया जाता है। पहले ये मशीन्स फॉर्म में ना होके, सिंपल मैकेनिकल मशीन्स ना होके, सिंपल डिवाइस के फॉर्म में थी। सबसे पहले कंप्यूटर के इतिहास में जो डिवाइस आई वो थी एबेकस। कंप्यूटर का इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा कि मनुष्य के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना शुरू से ही कठिन रहा है।
तब एबेकस का तब ये आवश्यकता महसूस होने लगी कि जिसकी सहायता से हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकें, वो पहली मशीन एबेकस थी जो पहली मैकेनिकल मशीन कंप्यूटिंग के लिए डेवलप की गई, जिसकी सहायता से हम बड़ी संख्या और आंकड़े की गणना कर सकते थे और अंकगणित इत्यादि का काम भी कर सकते थे। ये लगभग 5000 साल पहले चीन में इसका आविष्कार हुआ था। इसमें संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए मोतियों के साथ कई छड़ थे। इसमें इसका आप इमेज देख सकते हैं, मोतियों के साथ कई छड़ थे इसमें, जिसमें एबेकस पर गणना इन मोतियों को छड़ से फिसलने के द्वारा किया जाता था, परंतु एबेकस के द्वारा गुणन और विभाजन का कार्य नहीं किया जा सकता था, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इस पे नहीं किया जा सकता था, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जा सकता था। ये कंप्यूटर के विकास के क्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि कंप्यूटर के विकास की या कैलकुलेशन डिवाइसेस के डेवलपमेंट की शुरुआत यहीं से हुई। इस मशीन का आविष्कार के बाद ही डेवलप होते होते आज का कंप्यूटर आया है। अब इसके नेक्स्ट सीरीज की बात करें तो नेपियर स्पोन आया, एबेकस के बाद नेपियर स्पोन आया, जो कि सन 1616 में सर जॉन नेपियर ने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई जिसे नेपियर बोन्स कहा गया, इनके नाम के ऊपर पड़ा। और बोन्स शब्द इसमें इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इस डिवाइस में हाथी के उसका इस्तेमाल किया गया, इसके लिए नेपियर बोन्स कहा गया है। इसका प्रयोग जोड़ घटाना या एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी किया जाता था। ये डिवाइस एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में थी जिसमें एक छड़ का सेट बना हुआ था। कंप्यूटर के विकास में सर जॉन नेपियर का नेपियर बोन्स बहुत ही प्रभावशाली भूमिका निभाता है। सर जॉन नेपियर एक स्कॉटिश गणितज्ञ थे जो लॉगरिथम के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हुए थे। उनके लॉगस के उपयोग से किसी भी गुणा मल्टीप्लिकेशन की समस्या को बहुत स्पीडली सॉल्व किया जाता था। उनकी नेपियर बोन्स एक रेक्टेंगुलर रॉड थी जिसमें ये एक सेट था रेक्टेंगुलर रॉड का जिसमें 11 छड़ की सेट होती थी, और छड़ को बोन्स कहते थे क्योंकि इसमें हाथी दांत का इस्तेमाल हुआ था। अब कंप्यूटर के डेवलपमेंट में नेपियर बोन्स के बाद जो डिवाइस या मशीन आई वो आई पास्कलाइन मशीन। इसको अर्थमेटिक मशीन या पास्कल्स एडर भी कहते थे। एबेकस और नेपियर बोन के निर्माण के बाद पास्कलाइन का आविष्कार हुआ। सन 1642 में 1642 में ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन का आविष्कार किया, जो एक मैकेनिकल डिवाइस थी। इसमें 8 चलने वाले पहियों के साथ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स शामिल था। अगर आप इसकी इमेज देखें तो इस तरह से उसमें व्हील्स बने हुए थे। तो इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स था। ये 10, 100 और 1000 के साथ जोड़ने घटाने में सक्षम थी। ये एबेकस से अधिक गति, यानी इसमें स्पीड जो कैलकुलेटिंग स्पीड थी वो एबेकस से कहीं ज़्यादा थी। इसको पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लेज पास्कल एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे और पहले आधुनिक वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने कैलकुलेटर को डेवलप किया और इसका निर्माण किया। उन्होंने 18 साल की उम्र में ही यह डिवाइस डेवलप की जो संख्याओं को नंबर्स को ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने में सक्षम थी। मशीनी की पहियों की श्रृंखला के डायल द्वारा इसे संचालित किया जा सकता था। ये जो मशीन में पहिए लगे थे, व्हील्स लगे थे, इनके डायल के द्वारा इसे चलाया जाता था। ये गणितीय गणना कर सकता था और इससे मेहनत भी कम लगती थी और स्पीड बहुत ज़्यादा थी पहले की मशीनों की अपेक्षा। अब जो नेक्स्ट डिवाइस आई इस सीरीज में वो थी जैकवाट्स की लूम। सन 1801 में एक फ्रांसीसी बुनकर यानी व्यूवर जोसेफ जैकवाट ने कपड़े बुनने के लिए ऐसे लूम का आविष्कार किया जो कपड़ों में डिज़ाइन या पैटर्न को कार्डबोर्ड के होल्स जिसमें होते थे उस पंच कार्ड से कंट्रोल करता था।
इस लूम की विशेषता ये थी कि ये कपड़े के पैटर्न को कार्डबोर्ड के होल्स वाले पंच कार्ड से कंट्रोल करता था। पंच कार्ड पर जो फिगर्स या इमेज होते थे वो हैं, वो प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, इसके द्वारा, उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के द्वारा धागों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता था। इसकी इमेज आप देखें तो ये कुछ इस टाइप की मशीन थी। इसके बाद जैकवार्ड्स लूम के बाद जो कंप्यूटर के इतिहास में आया वो था चार्ल्स बैबेज का डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बैबेज जिन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी को, उनके टाइम को प्रारंभिक समय का स्वर्णिम युग, गोल्डन एज माना जाता था कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट के लिए। ये एक अंग्रेज गणितज्ञ थे चार्ल्स बैबेज, जो कि मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन को डेवलप करने की इनको आवश्यकता तब महसूस हुई कि जब कैलकुलेशन के लिए बनी हुई जो टेबल्स थी उसमें एरर आने लगी, क्योंकि ये टेबल्स जो थी वो हैंडसेट थी, इसलिए इसमें एरर के चांसेस थे, होते थे। चार्ल्स बैबेज ने सन 1822 में एक मशीन का को डेवलप किया, जिसका जो भी एक्सपेंडिचर आया वो ब्रिटिश सरकार ने वहन किया था। उस मशीन का नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। इस मशीन में गियर और सॉफ्ट लगे हुए थे, ये भाप से चलती थी। इसकी अगर आप इमेज देखें तो ये है, ये कुछ इस तरह की मशीन थी जिसमें इंजन लगे हुए थे और ये भाप से चलाई जाती थी। इसके बाद एनालिटिकल इंजन आया, जो कि सन 1833 में चार्ल्स बैबेज ने जो डिफरेंस इंजन का विकास किया था, ये उसी का विकसित रूप था एनालिटिकल इंजन, और ये बहुत शक्तिशाली मशीन थी। बैबेज का कंप्यूटर के विकास में बहुत योगदान है। बैबेज का ही एनालिटिकल इंजन आज के कंप्यूटर का आधार है। यही कारण है कि चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। इनके एनालिटिकल इंजन का फिगर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी दिखती थी। इसके बाद टैबुलेटिंग मशीन आई, जो कि एक अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे हरमन होलेरिथ, उन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट प्रैक्टिकल कैलकुलेटिंग मशीन को डेवलप किया, जिसका नाम रखा टैबुलेटर। सन 1890 में, 1890 में इसको डेवलप किया गया था, और ये टैबुलेटिंग मशीन एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी, जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को समराइज करने के लिए असिस्ट करती थी। इसमें पंच्ड कार्ड का यूज हुआ था, जिससे कि इंफॉर्मेशन और डेटा को प्रोसेस और स्टोर किया जाता था। ये जो टैबुलेटिंग मशीन थी, मशीन कंपनी थी, सर 1896 में मैन्युफैक्चर, इसको कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर किया गया था, और इसका नाम तब चेंज करके कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग CTR रखा गया, कंपनी रखा गया। फिर बाद में 1924 में इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रखा गया, IBM, जो कि आज बहुत ही फेमस कंपनी है कंप्यूटर की। तो इस तरह हमने देखा कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जाना, जिसमें जो मुख्य बिंदु हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, वो ये है कि कंप्यूटर के विकास की शुरुआत अबेकस मशीन से शुरू हुई। अबेकस मशीन एक कैलकुलेशन के लिए यूज़ करने वाली मैनुअल एड था। इसको मशीन न कहें, एक डिवाइस ही कहें या मैनुअल एड कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद नेपियर्स बोन आई। नेपियर बोन का सन जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था। इससे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी किया जा सकता था। उसके बाद पास्ट लाइन मशीन आई, जिसको कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा जाता था, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर या एडिंग मशीन कहा जाता था, जिसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। उसके बाद लिबनीज ने डिज़ाइन किया कैलकुलेटिंग मशीन, जिसको स्टॉप रेकॉर्डर कहा जाता था, जिससे कि मल्टीप्लाई, डिवीज़न और स्क्वायर रूट्स वगैरह निकाला जाता था। उसके बाद जैकवार्ड लूम आया, और जैकवार्ड लूम की मशीन ही पहली मशीन थी जिसमें पंच्ड कार्ड का यूज़ किया गया। इसके बाद चार्ल्स बैबेज, जिनको
फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है, उनका डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन आया। डिफरेंस इंजन 1822 में आया और एनालिटिकल इंजन 1832 में आया। और आज का कंप्यूटर के डेवलपमेंट का आधार इनका एनालिटिकल इंजन ही है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कैसे धीरे धीरे आज हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसका विकास कैसे धीरे धीरे हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी जान सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें कंप्यूटर फंडामेंटल पे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको और भी, ये एक ऐसा चैनल है जिस पे कंपटीशन से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट पे आपको वीडियोस मिल जाएगी। सिर्फ कंप्यूटर पे नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स को इस चैनल पे कवर किया गया है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये चैनल बनाया गया है, फाइनल क्लास चैनल। इस आपको अगर इसका लिंक चाहिए, अगर फेसबुक पे फॉलो करना है तो FB लिंक, वेब लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। अब इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर का के जनरेशन के बारे में जानेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।